हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? आज के वीडियो में हम एथिल एल्कोहल के अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम बताएंगे। पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक अभिक्रिया दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है, एथिल एल्कोहल से एसीटोन कैसे बनाएंगे? हम इसको बताएंगे सबसे पहले कि एथिल एल्कोहल से एसीटोन कैसे बनाएंगे। तो देखिए, एथिल एल्कोहल से एसीटोन बनाने के लिए सबसे पहले CH3CH2OH एथेनॉल का ऑक्सीकरण होगा KMnO4 H पॉजिटिव की उपस्थिति में, तो ये बनेगा CH3COOH बन जाएगा और इसको फिर उच्च ताप पर गर्म करेंगे, एसिटिक एसिड बनेगा। इसे एसिटिक एसिड के दो अणुओं को गर्म किया जाएगा तो एसीटोन बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O बनेगा। ये आपका एसीटोन है। तो एथेनॉल का ऑक्सीकरण KMnO4 H पॉजिटिव की उपस्थिति में करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है और एसिटिक एसिड उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो एसीटोन बनता है। ये पहला रिएक्शन है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एथिलीन से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ये एथिलीन है। एथिलीन की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करते हैं तो ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2Br हो जाएगा, ये एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaOH से जब की जाती है तो ये बन जाएगा आपका NaBr बन जाएगा और ये बनेगा CH3CH2OH प्लस NaBr, ये एथेनॉल बन जाएगा। यानी एथिलीन की HBr से अभिक्रिया होगी तो एथिल ब्रोमाइड बनेगा और फिर NaOH के साथ अभिक्रिया होगी तो एथेनॉल बनेगा। ये दूसरा रिएक्शन हो गया। दूसरे रिएक्शन के बाद अब हम तीसरा रिएक्शन आपको बताएंगे कि एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे बनेगा। देखिए, एथिल एल्कोहल CH3CH2OH ये एथेनॉल या एथिल एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया CH3COOH से करते हैं और ये कॉन्क H2SO4 या सांद्र H2SO4 द्वारा ये बन जाता है CH3COOC2H5 प्लस H2O बन जाएगा। ये एथिल है, ये एसीटेट है, दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये एथिल एसीटेट हो जाएगा, ये एथिल एसीटेट बन जाएगा। यहाँ पर कैटलिस्ट जो है वो तो प्रेरक जो है वो सांद्र H2SO4 होता है। ये तीसरा रिएक्शन हो गया।
चौथा रिएक्शन जो आपको बताना है वो एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर। देखिए ये एथिल एल्कोहल है, इसके दो अणुओं को लेकर कौन के H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। और यह गर्म करने पर बन जाएगा CH3CH2OCH2CH3+H2O। ये डाई एथिल ईथर बन जाएगा, इससे ये डाई एथिल ईथर बनेगा। इससे ये चौथा रिएक्शन आपका हो गया। अब पांचवा रिएक्शन देखते हैं, एथिल एल्कोहल से एथिल अमीन बनेगा, तो ये CH3CH2OH+NH3 ये बनाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2+H2O, ये एथिल एमीन बन जाएगा। और एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म, ये पांचवा हो गया। छठवा है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफार्म, ये CaOCl2 है जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इससे बन जाएगा CHCl3+HC2CA, ये कैल्शियम फार्मेट बनेगा इससे, और ये आपका क्लोरोफार्म बनेगा। तो ये ब्लीचिंग पाउडर की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है जिससे क्लोरोफार्म और कैल्शियम फार्मेट बनता है। अब लास्ट रिएक्शन जो इसका है, इसका जो लास्ट रिएक्शन है वो है एथिल एल्कोहल से आयडोफॉर्म I2NOH, ये CHI3+HCOONA, ये सोडियम फार्मेट है, ये आयडोफॉर्म है, और ये आपका एथेनॉल है। ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा बनता है जिसमें I2 और NaOH की अभिक्रिया होती है, तो आयडोफॉर्म बनता है और सोडियम फार्मेट बनता है। तो ये आज के वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण इंटर कन्वर्जन आपको बताया जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगला कल के वीडियो में।